हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में आज मैं दोस्तों इस वीडियो आपको बताने वाला हूं कैसे एक्स का मान निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से और कम समय तो इस वीडियो में सीखना हमारा क्या है एक का मान कैसे निकालते हैं तो ठीक है इस नंबर आपको बहुत सारे प्रश्न में लिया हूँ जो आपको सिंपल से लेकर हार्ड तक है ठीक है तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहेगा आपको सारा समझ आएगा कैसे एस का मान निकालते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि कुछ वीडियो से सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है चलिए पहला प्रश्न नंबर देखिए क्या कर रहा है तो पहला सा सिंपल लगा ठीक है थी थी टू एक्स माइनस थ्री बटा थ्री एक्स प्लस टू बराबर तीन बटा इगारा है आपको निकालना है। तो इसका क्या है? तो पता नहीं रहा क्या करें तो, तो, तो जब इस तरह का मान रहेगा आपको भिन्न के रूप में यहाँ पे बटा में थ्री प्लस टू है आपका भिन्न के रूप में तो क्या करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा क्या करिएगा तिरछा तिरछे गुना मतलब इगारह का गुना इससे ऊपर वाला के साथ इसका गुना इसके साथ यानी कि नीचे का ऊपर कर देना ऊपर का नीचे कर देना

छ ते है तो अब देखिए माइनस तेईस तैतीस ऊपर जाएगा बाहर जाएगा तो क्या जाएगा बराबर क्या जाएगा प्लस में तैतीस हो जाएगा अब बाईस एक्स में से नौ कितना बचेगा बाईस में से नौ कितना तेरह एक्स बचेगा और तैतीस से छा तो कितना जाएगा दोस्तों आपका तैतीस से छ हो जाएगा कितना उनचालीस अब ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ तेरह एक्स है यहाँ उनचालीस है तो आपको तो डायरेक्स का मान निकाला है नहीं तो डायरेक्ट उनचालीस बता दीजिएगा का मान निकाला है ना तो एक्सपर क्या जाएगा उनचालीस गुना में तो ये भाग में आ जाएगा तो कटेगा तो तीन बार में तो इस तरह से दोस्तों आपका तीन का तो मान आ गया लेकिन आपको चेक करना है ना कि सही बना कि गलत बनाएगा तो 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 तीन प्लस तो दो तीन माने तीन, में भी के, तो कही तीन दोनों छह छह जाएगा तो तीन 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 नौ दिन देखिए तो तीन बटी कार आ गया ना चुकी तीन बटीकार लाना था तो इस तरह से आपको बता दें वीडियो में आप चेक भी कर सकते हैं बनाते समय सही है गलत है ठीक है आप संतुष्टि के लिए ठीक है दोस्तों मैं एक और प्रश्न ले रहा हूँ बहुत सारे प्रश्न ले लिया इसमें अब इसका एक सौ वाई मान निकालना तो क्या करेंगे मैंने बताया था कि जब कोई बहुपद में एक्सर वाई रहे और वो आपको बटा के रूप में रहेगा तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लाएगा कुछ ज्यादा मत सोचेगा गुण करना तोड़ना छोटा रूप में वो बस नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ चुके हैं यहाँ क्या करेंगे टू का कर देंगे इसके साथ गुना और वन का कर देंगे इसके साथ गुना तो टू के साथ करिएगा तो क्या जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में फाइव एक्स प्लस में सिक्स बराबर में वन गुना में क्या जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस में सेवन एक्स प्लस में वन हो जाएगा तो जैस का तर्स रहेगा गुना दो के साथ तो टू एक्स स्क्वायर दो का पाँच पाँच दूनी दस एक्स दो का छ के साथ छः दूनी बारह ये तो जैस का तर्स रहेगा

बटा में तीन आ गया एक मन क्या आ गया मानस में ग्यारह बटन तीन तो अब ऐसा मतलब गलत हो गया कभी कभी एक का जो मान है ना आपको भिन्न के रूप में भी आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा तो वही एक्स का मान रहेगा ठीक है तीसरा का मान निकल के आ गया ठीक है इसको वैसे मान चेक धर के तो वही आ जाएगा ठीक है कोई गलत बात नहीं है ती भी मान आता है ठीक है तो ठीक है ना जैसे मैं एक और प्रश्न लिया हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है उसको समझिए कैसे देखिए बनता है बहुत अच्छा प्रश्न ठीक है तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कर रहा है सेकंड नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जीरो पॉइंट फाइव एक्स प्लस तीन पॉइंट जीरो फाइव एक्स प्लस टू पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, क्या करेंगे तो तो दो, तो दो गुना में जीरो पॉइंट फाइव एक्स प्लस तीन दशमलव जीरो बराबर एक गुना में क्या वन पॉइंट फाइव एक्स प्लस टू पॉइंट जीरो ठीक है कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दो में गुना करेंगे जीरो पॉइंट फाइव से क्या जाएगा वन पॉइंट जीरो गुना करता ना

चार दशमलव जीरो बटा जीरो पॉइंट फाइव तो कट जाएगा तो तो ना तो क्या दोस्तों चालीस बटा में पांच बचा तो यानी कि आपका आठ आ जाएगा ठीक है समीकरण में आठ आया ठीक है तो इस तरह तो से एक्स मान निकाल सकते हैं कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है बस समझना आपको ठीक है तो इस तरह दोस्तों एक और प्रश्न दिया लिया ताकि जो भी स्टूडेंट लास्ट उनका डाउट हो चार डाउट क्लियर हो जाए तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है तेरह इंटू देखिए तेरह है इंटू एक्स माइनस पांच माइनस में आठ इंटू एक्स प्लस दस ठीक है तो ये हमारा प्रश्न है बटा में क्या टू माइनस बटा यहाँ बरामद दस है देखिए इसको हल करना कि ही भी में है ठीक है अब क्या करेंगे तो गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसके साथ और इसके साथ जो हमारा रिजल्ट आएगा ठीक है तो करिए गुना वन का रहेगा तेरह इंटू एक्स माइनस पांच माइनस में आठ इंटू एक्स प्लस दस अब दस का गुना करिए इसके साथ तो दस गुना में टू माइनस में फाइव एक्स तेरह गुना करिए तो तेरह एक्स हो जाएगा माइनस में तेरह पच्चीस क्या हो जाएगा पैंसठ हो जाएगा माइनस में आठ एक्स हो जाएगा माइनस में अस्सी हो जाएगा गुना करने आता ना है करिए अब देखिए दस का गुना इसके साथ करिए तो दस गुना बीस हो जाएगा और दस पच्चीस पचास एक्स हो जाएगा अब देखिए जो एक्स वाले उनको एक साथ जोड़ दीजिए तो यहाँ तेरह एक से यहाँ माइनस आठ एक क्या जाएगा तेरह में से आठ जाएगा तो फाइव एक्स हो जाएगा या देखिए दोस्तों माइनस में पैंसठ माइनस अस्सी जोड़िएगा तो क्या जाएगा एक सौ पैंतालीस अब बराबर में क्या आपका बीस माइनस में पचास फिर ये सी एक्स को साथ लाइए तो क्या आ जाएगा पाँच एक्स क्योंकि एक साथ रखेंगे ना, ना यहां साथ है ना यहाँ पे आ जाएगा प्लस में पचास और ये देखिए माइनस तो क्या जाएगा प्लस में जाएगा तो एक सौ पैंतालीस जोड़ दीजिए तो पाँच एक्स 50 पचास क्या आएगा पचपन एक्स ठीक है अब बीस एक्स क्या एक सौ पैंसठ हो जाएगा काटिए कटेगा का? तो सही बात कटेगा तीन बार में

लाज देखते रहेंगे उनको ठीक है बस आज तरीके बस इतना ही दोस्तों वीडियो में अच्छा लगता तो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ चैनल पर बनना तो प्लीज मेरे चैनल ऑप्शन को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में यहाँ तो चैनल पर आपको प्रतिदिन आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं साइंस जी के रिलेटेड सारा डाला जाता है सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे ऑप्शन पहले पहुंचते रहेंगे मिलते है नए वीडियो में तब तक दोस्तों बनाइए हमारे चैनल से जय हिंद जय भारत